डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 6.2 तक के चीजों को पढ़ लिया है, 6.2 तक के क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग आइए आते हैं एक्सरसाइज 6.3 में, इन करते हैं। तो इन करने से पहले हम लोगों को कुछ थ्योरी में और बच गया था पिछले दिन के अपेक्षा, तो चलिए कुछ चीजें पढ़े लेंगे हम लोग जो क्वेश्चन बचा हुआ था 6.3 में, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक के पढ़ा स्लोप के बारे में, कि स्लोप क्या है। स्लोप अलग अलग कंडीशन में दिया रह सकता है, जैसे अगर मान लिया कि स्लोप अगर हमें देगा तो किसका किसका स्लोप दे सकता है भाई, तो हमें जो स्लोप दे सकता है वो किसी भी कोऑर्डिनेट्स दे सकता है, यानी कि निर्देशांक देगा, या फिर अगर इक्वेशन दिया रहेगा किसी लाइन का, समीकरण दिया रहेगा, तो वहां से भी चल के हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा कि अगर कोई लाइन्स पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, तो सभी का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरीके से फिर हम लोग पढ़े कि अगर लाइन्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, इस कंडीशन में होगा, तो हम यहाँ पे दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कितना लाते हैं इसको, इसका हम लोग -1 आता है इसका स्लोप, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे नॉर्मल एंड टेंजेंट वाला टॉपिक्स, तो नॉर्मल एंड टेंजेंट के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। टेंजेंट, नॉर्मल एंड टेंजेंट। अब नॉर्मल किसको कहते हैं, टेंजेंट क्या कहलाता है, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, नॉर्मल का मतलब ये हुआ और टेंजेंट का मतलब क्या हुआ। टेंजेंट का मतलब आप हिंदी में बोलते तो बोले तो स्पर्श रेखा होता है, क्या होता है, स्पर्श रेखा, ठीक है, हिंदी में बोले तो स्पर्श रेखा होता है। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि टेंजेंट, टेंजेंट किसको कहते हैं, तो आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे एक स्पर्श रेखा के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में आप जानते होंगे कि स्पर्श रेखा क्या होता है। तो किसी भी वृत्त को अगर टच करता है कोई लाइन, उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। दोस्तों, स्पर्श रेखा का ही अंग्रेजी में बोला जाता है टेंजेंट, क्या बोला जाता है इसको, टेंजेंट। और ये वाला टॉपिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को सवाल बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में समझने वाले हैं कि हम लोगों को क्या यहां पे चीजें दी गई है। सबसे पहले टेंजेंट के बारे में समझते हैं। तो टेंजेंट मान लिया किसी भी कर्व का, जैसे मान लिया कि ऐसे कोई मुड़ा हुआ वृत्त है, सर्किल है, कोई कर्व है। ये कर्व का मतलब क्या, कर्व का मतलब हुआ कि मुड़ा हुआ कोई पाथ, रास्ता, मुड़ी हुई रास्ता, ठीक है, जिसको कर्व बोलते हैं। और इस पे कोई अगर लाइन इसको टच करते हुए निकले, सीधा लाइन अगर इसको टच करते हुए निकले, तब इसी को हम लोग बोल देते हैं टेंजेंट। ये क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है। अब टेंजेंट का तो मतलब समझ गए कि कोई भी कर्व लाइन पे अगर एक कोई स्ट्रेट लाइन अगर टच करता है, तब उस पूरे लाइन को बोल देते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल उस लाइन को कहा जाता है जिसपे टेंजेंट का परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर वही होना चाहिए जहां पे वो पॉइंट सर्किल को या कर्व को टच करता है। तो सर्किल को या कर्व को टेंजेंट कहां पे टच कर रहा है, तो यहां पे टच कर रहा है। अब जहां पे टच कर रहा है यहां पे, अब इसी पॉइंट पे हमें एक लंब डालना होगा टेंजेंट पे, तो हम उसको बोल देंगे नॉर्मल,
यानी कि ये हो गया आपका नॉर्मल, देख पा रहे होंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो आप नॉर्मल और टेंजेंट का मीनिंग समझिए कि टेंजेंट किसको कहते हैं, तो किसी भी वृत्त को या कर्व को या मुड़ी हुई रास्ता को अगर कोई सीधा लाइन जिस बिंदु पे मिलता है या किसी सर्किल को टच करता है, तब हम टच कर दिया तो समझ लीजिए वो टेंजेंट, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर में कोई लाइन वहीं से खींचा जाना चाहिए जहां से वो पॉइंट मैच करता है या मीट करता है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब इतना पे समझने के बाद आपको ये थोड़ा सा यहां पे जानना चाहिए कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ। तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल बोले, ठीक है, स्लोप ऑफ, क्योंकि नॉर्मल का भी स्लोप होगा और टेंजेंट का भी स्लोप होगा, तो यहां पे जो पॉइंट मीट कर रहा है उसका निर्देशांक मान लीजिए एक्स वन वाई वन है, जहां पे ये पॉइंट मीट करता है मिलता है उसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वन वाई वन। और अगर नॉर्मल का स्लोप की बात कर लिया जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का जो स्लोप है उसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को एम से सूचित करते हैं, छोटा एम। ठीक है, तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से, जबकि स्लोप ऑफ टेंजेंट को किससे सूचित करते हैं, एम से। अब इसके अंतर्गत कुछ फार्मूला है, कौन कौन सा फार्मूला है, तो सबसे पहला फार्मूला तो ये है कि अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि एम अगर निकालना होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट को किससे सूचित करते हैं, एम से, तो आपको डीवाई बाय डीएक्स कर देना होगा। और डीवाई बाय डीएक्स का मतलब तो समझ रहे ना दोस्त क्या होता है, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेगा आप सिंपल क्या करेंगे, डीवाई बाय डीएक्स, और डीवाई बाय डीएक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, डीवाई बाय डीएक्स का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन। चलिए उसी तरीके का दूसरा भी रूल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ध्यान रहे स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम लोग पी से सूचित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है माइनस वन बटा डीवाई बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा यहां पे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेगा तो आप क्या कर लेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सिर्फ, यानी कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेगा तो सिर्फ डीवाई बटा डी एक्स, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलेगा तो माइनस वन बटा डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि टेंजेंट वाला में सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स और नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा तो माइनस वन बटा डीवाई बाई डी एक्स, ये हम लोगों का फार्मूला है। ठीक है, अब तीसरा इंपोर्टेंट फार्मूला, वन टू थ्री, थ्री थ्री लिखेंगे आप, जैसे हम थ्योरी में बता रहे हैं फिगर के साथ वैसे ही आपको भी नोट करना है। अब एक और चीज आ सकती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग ज्ञात कर सकते हैं y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। देखिए, अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ जाए, किसका जरूरत भाई, किसका जरूरत, तो इक्वेशन निकालने के लिए किसका, टेंजेंट का, तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम मतलब टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही हम लोग एम से सूचित करते हैं। तो इसी तरीके से आपको जानना चाहिए
कि अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स वन। अच्छा, जहां m के बारे में तो जानते हैं कि m क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। उसी तरीके से और एक चौथा फार्मूला है, तो चौथा फार्मूला को हम लोग ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाली चीजों को मिटाकर। क्या है नंबर फोर? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट, नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फार्मूला? तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आप देख पा रहे होंगे ना चीजों को, कि यहां से अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो हम लोग क्या फार्मूला अपनाएंगे? y माइनस वाई वन पी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। किसी को दिख रहा होगा सर इसमें अंतर कहां है? सर बताइए, आप देख पा रहे हैं ना यहाँ y माइनस वाई वन वाई माइनस वन ये तो सेम है, लेकिन यहां पे सिर्फ m है और यहां पे p है, और p का मतलब क्या? तो नॉर्मल का स्लोप, पहले ही बता चुके हैं इसको p से सूचित करते हैं। तो दोनों भले ही एक जैसा है, लेकिन हमें रखना है क्या, हमें यहां पे रखना होता है p। अगर स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में p यूज करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में m यूज करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेगा तो कुछ ऐसा करना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलेगा तो कुछ हमें इस तरीके का फार्मूला का यूज करना होगा। फिर से बता देते हैं किसी को प्रॉब्लम हो तो, कि टेंजेंट किसको कहते हैं भैया? तो आप 10th क्लास में जो स्पर्श रेखा पढ़ते थे वही यहां पे भी है टेंजेंट के रूप में, यानी कि जो सर्किल एक वृत्त था वहां रहता था और वृत्त के एक बिंदु से टच करते हुए अगर जाता था, इसी को ना आप स्पर्श रेखा कहते थे। तो यहां पे वही के बारे में बोला गया कि वो कर्व है, यानी कि मुड़ा हुआ रास्ता है, एक लाइन इसको टच कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच किया, इस पॉइंट पे एक लंब डाला जाता है टेंजेंट पे, और इसी लंब को बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल। ठीक है, ये चीजें हम लोग यहां पे सीखे कि टेंजेंट क्या होता है तो स्पर्श रेखा, और नॉर्मल क्या होता है तो स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब। यहां पर भी तो लंब डाला जा सकता है, यहां पर भी तो डाला जा सकता है, लेकिन वही डालना है जहां पे वो टच करता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में सीखे, इनके स्लोप के बारे में सीखे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है। चलिए, इतना चीज सीखने के बाद हम लोग कुछ आगे और सीखते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग को सीखना चाहिए, और सम इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं, चलिए उसके बाद अब हम लोग टॉपिक देंगे सम इंपोर्टेंट पॉइंट। अब कुछ सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, अब उस इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हमें सीखना चाहिए। तो इसमें जो पहला है वो क्या बोल रहा है, यानी कि सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग सीखेंगे when tangent parallel to x axis। देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, when tangent जो है अगर वो x axis के parallel हो जाएगा तो हमें कौन सा सिचुएशन यूज करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं यहां पे कि
कि अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तब हम लोग कैसे करते हैं। तो टेंजेंट का तो मतलब जान रहे हैं, वो किससे पैरेलल होगा तो एक्स एक्सिस पे। तो जरा इसका फिगर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां से, ये हुआ एक्स अक्ष और ये हुआ वाई अक्ष, ये जीरो हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि टेंजेंट, टेंजेंट कब होता है? तो मान लिया कि ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब ये चूंकि टेंजेंट है तो हम लोगों का कर्व इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। अच्छा से नहीं बन रहा है यार। क्या बोले कि एक कर्व था, ये क्या है? कर्व है और इसी कर्व पे एक टेंजेंट खींचा हुआ है। ये क्या है भाई? तो ये टेंजेंट है। ऐसा टेंजेंट खींचा गया है जो एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो भाई मेरे, आप आज से एक बात समझ जाओ कि अगर एक्स एक्सिस के टेंजेंट कोई भी पैरेलल होगा तो आप फट से यूज करोगे देन dy बाय dx का वैल्यू जीरो। ध्यान देना, कब ये फॉर्मूला यूज करना है? जब सवाल में बोलेगा कि टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट किससे पैरेलल है? x एक्सिस के। तो जब x एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो आप क्या यूज करेंगे? dy बाय dx इक्वल टू जीरो। यानी कि एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद उसको किसके इक्वल करना है? जीरो के इक्वल करना है। कब? जब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब जरा हम लोग आगे बात करते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट बनाइएगा, ये तो पहला पॉइंट है और इसी का आप दूसरा नीचे बनाइएगा, लेकिन हम इसी में सुधार करके दूसरा बनाते हैं। व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, हम इसी में चेंज कर दिए हैं दोस्तों, इसलिए आपको जो है ना इसको अलग बनाना होगा और हम तो इसी ग्राफ में मिटाकर और इसको समझाएंगे, लेकिन आप जो है ना दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, इस बार क्या बोल रहे हैं कि टेंजेंट जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो y एक्सिस का तो मतलब ऊपर, तो एक लाइन हम खींचते हैं जो इसके पैरेलल है। ठीक है, जो इसके पैरेलल है, लेकिन ये टेंजेंट कब कहलाएगा? ये टेंजेंट तभी कहलाएगा जब एक कर्व लाइन, एक कर्व लाइन पे देख पा रहोगे कि एक मुड़ा हुआ रास्ता, ये क्या है? तो कर्व लाइन है। एक कर्व लाइन पे टच करेगा तब ये क्या कहलाएगा? यहां टच कर रहा है तब इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, तो अगर वही टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग लिखते हैं देन 1 बाय dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि 1 बटा, सॉरी माइनस वन बटा dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल होता है। देखिए, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy बाई डी एक्स बराबर जीरो कर देना है। ठीक है, अगर वही टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तब हम उसको -1 बटा dy बाई डी एक्स बराबर जीरो करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सब फिगर वगैरह से सब कुछ क्लियर है कि हम लोग कौन कौन सा सिचुएशन में क्या करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों का ये थ्योरी अब खत्म हो गया पूरी तरीके से हम लोगों का थ्योरी जो है वो खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ा, स्लोप कितने तरीके से निकाल दिए जा सकते हैं। जगह अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिया रहता है तो आप y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 से स्लोप निकाल सकते हैं। अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया रहता है तब भी आप स्लोप निकाल सकते हैं,
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, y का मान निकालना पड़ेगा। अगर आपने y का मान अच्छे से निकाल लिया तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं ठीक से। ठीक है, फिर सीखे कि बहुत सारा लाइन पैरेलल है तब उसका स्लोप कितना होगा, तो सबका स्लोप सेम होगा। अगर परपेंडिकुलर रहेगा, लंब रहेगा, तो उसका होता है -1/slope m। फिर आज हम लोग सीखे नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में, किसको नॉर्मल कहते हैं, किसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल और टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसका फॉर्मूला dy/dx होता है, नॉर्मल का जो होता है वो -1/dy/dx होता है। तो इतना चीजों को हम लोगों ने आज पढ़ा है। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि हमें इन चीजों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको पूरे अच्छे से थ्योरी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो थ्योरी में हम लोग पढ़े, क्योंकि देखिए कोई भी चीज नया नहीं होता और हम जो पढ़ाते हैं ना कोई भी एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन, तो हम उतना चीजें जरूर पहले बता देते हैं जो आपको यूज होने वाला रहेगा अगला एक्सरसाइज में, यानी कि उससे पहले हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़ते हैं। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, नहीं दिस चैप्टर या दिस टॉपिक, जो भी आप बोल लो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं तो उसका हमें बहुत सारा रिपीटिंग होने लगता है जो हम लोग चीज सीखे हुए हैं। तो जैसे रिपीटिंग होता है तो हम चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, ज्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 6.3 में जो क्वेश्चंस है आपको दिखाते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। देख पा रहे होंगे आप पहला क्वेश्चन निकालिए कि कैसा क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोला सवाल में, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि सवाल में पहला सवाल में हमें गिवन दिया है, क्या दिया है, तो y बराबर 3x^4 -4x। ठीक है, y का वैल्यू दे दिया और हमें बोल रहा है कि अब क्या निकालो, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो। ये निकालना है कितना बार भाई, तो एट एक्स बराबर 4, ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब आप अच्छे से समझिए कि क्योंकि ये सब सारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सवाल में y का वैल्यू दे दिया, हमें क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो। तो हम लोग अगर यहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला पता है ना, dy/dx होता है, हम लोगों को तो फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला पता है। वही नहीं, जब अगर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका फॉर्मूला पता है, जब टेंजेंट जो होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका भी फॉर्मूला पता है। तो यहां पे हमें क्या निकालना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यहां पर लिखिएगा चूंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, फार्मूला पता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या होता है फार्मूला, dy/dx। तो यहां पे हम y का वैल्यू कितना दिया, 3x^4 -4x/dx। समझ में आ रहा है, तो ये तो डिफरेंशिएशन करना ना, y के जगह पे रख दिया तो डिफरेंशिएशन। चलो अब हम लोग तो सीखे हैं भाई ना ऐसा सिचुएशन में कि हम लोग कैसे करते हैं, कहां रख दिया मिटाने वाला भाई, इधर रख दिया मिटाने वाला।
एक मिनट जस्ट वेट, इधर रखते हैं मिटाने वाला। चलो हाथ से निकाल लेते हैं। हाँ चलिए देख लीजिए, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ है, दिख नहीं रहा था। चलिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3x4 - 4x इसका डिफरेंशिएशन करना है। हम आपको सिखा चुके हैं भाई कि अगर प्लस और माइनस में डिफरेंशिएशन रहता है उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो आप यहाँ करो डी 3x4 बटा dx माइनस d4x बटा dx, ठीक है। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तीन तो ऑलरेडी बाहर निकल गया, पावर में चार है तो पावर चार पहले हो जाएगा, x2 बचेगा, सॉरी तीन बचेगा क्योंकि चार है ना, माइनस चार को पहले निकालेंगे तो dx बाय dx का वैल्यू 1। तो टोटल मिलाकर इसका क्या हो गया dy बाय dx 12x3 - 4, ये ना। लेकिन अंत में सवाल देखिए तो बोला है एट एक्स बराबर 4 निकालो, तो जो डिफरेंशिएशन करके आया, जो डिफरेंशिएशन करके आया, क्या आया डिफरेंशिएशन करके 12x3 - 4। नाउ अब क्या करना है कि एट एक्स बराबर 4 बोल रहा है तो x की जगह पे आप 4 रख दो तो बराबर 12 × x की जगह पे कितना रखना है 4, तो 4³ - 4, तो 12 × 4 को 3 बार करेंगे तो कितना होगा 4 × 16 = 64 - 4, 64 को 12 से मल्टीपल कर लेंगे कितना आएगा 4 × 8 6 × 12 = 64, यानी कि 768 आ रहा है, 768 माइनस 4 तो पहला का आंसर हो जाएगा 764, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं करना भाई, अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेगा तो फार्मूला वही dy बाय dx, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलेगा तो क्या करेंगे -1/dy/dx लगा देंगे और उसका जो आंसर आएगा, अगर एट एक्स बराबर 4 पे बोलता है 3 पे बोलता है तो उसको हम लोग कर देंगे काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है उसको जरा देखते हैं। किधर गया बुक भाई, हाँ चलो 6.3 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है दूसरा में, सवाल पढ़िए और समझिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, बिल्कुल स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या करना है, निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। कब, गिवन y का वैल्यू दिया हुआ है कितना x-1/x-2, कितना पर बोल रहा है तो एट एक्स बराबर 10 पे, तो क्या नहीं बनेगा, अभी जैसे हम बताए हैं सेम सवाल है, सवाल को समझिए, हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, इसका मतलब dy बाय dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का क्या फॉर्मूला dy बाय dx, अब dy बाय dx का मतलब y का डिफरेंशिएशन, तो अब y का तो डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए ना भाई, हम लोगों ने जो पांचवा चैप्टर को इतने ढंग से तरह तरह का डिफरेंशिएशन सीखा, क्या नहीं सीखा, किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना आपने नहीं सीखा, आप ये बोलो, हर तरह का डिफरेंशिएशन सीखा, तो क्या इसका आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा वहां पे x का वैल्यू 10 रख देना है, सिंपल बात, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट का क्या फार्मूला होता है, सिर्फ dy बाय dx, अगर ये टेंजेंट नहीं होता, नॉर्मल होता, स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता, क्या करते -1/dy/dx करते, सब तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट जब हमको निकालना होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सिर्फ dy बाय dx, तो dy बाय dx का मतलब कौन सी, तो d
वाई का मान कितना, एक्स माइनस वन बट्टा एक्स माइनस टू बट्टा में डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि u बटा v में आप तोड़ दो, ऊपर वालों को u बोल दो और नीचे वाले को v बोल दो, तो u बाय v पे नहीं तोड़ने आएगा। जी हाँ बिल्कुल तोड़ने आएगा, क्या करेंगे बट्टा में v स्क्वायर x माइनस टू का स्क्वायर, v को बाहर कर लो x माइनस टू, u को डिफ्रेंसिएशन कर दो तो डी एक्स माइनस वन बट्टा डी एक्स, फिर माइनस u को बाहर करो x माइनस, फिर भी का डिफ्रेंसिएशन x माइनस टू बट्टा डी एक्स। देखो भाई अगर आपको यहां पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर किसी बच्चा को यहां पे समझ में नहीं आया ना तो क्या पता है बोलेगा वो, हमको तो ये मैथ्स भास लगता है, तेरे को कौन सा मैथ अच्छा लगता था, तेरे को तो डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, तू झूठ का बोल रहा है, ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। भाई ये चैप्टर इजी है लेकिन उसके पीछे वाले चीजें तो आनी चाहिए ना। अब जो डिफरेंशिएशन नहीं करना सीखेगा, नहीं जानेगा, नहीं जानता है तो कैसे वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को समझेगा। सिंपल वे में अगर तुमने ये समझ भी लिया तो कैसे निकाल पाओगे, है ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए हम कहना ये चाहते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जब कभी भी बोलेगा आप dy by dx निकालो, और इससे अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन करना चाहिए वो आप समझो, क्योंकि हमें सवाल सिर्फ दिया है ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ दिया रहता है तो कैसे डिफरेंशिएशन करना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे को पता चल गया कि एगो बट्टा में दिया है तो u और v मान लेते हैं, और u बटा v का डिफरेंशिएशन पे तोड़ देंगे तो जो आएगा डिफरेंस अभी हुआ नहीं है, अभी इसको हम लोग करके लाएंगे, जो करके लाएंगे जो आंसर निकलेगा वहां x के जगह पे कितना रख देंगे 10। समझ पा रहे ना चीजों को, तो बहुत इजी है। तो यहां के बाद हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से निकालिएगा। हम ऐसा बहुत सवाल किए, इससे भारी भारी सवाल किए हैं, ये तो चुटकी में होना चाहिए डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन हो गया तो एक्स का वैल्यू 10 रख देना है। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 सवाल पढ़ते हैं कि क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या करना है, निकालना है कब, जब तीसरा सवाल में गिवन है y का वैल्यू कितना, कितना दिया है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन, हुज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, तो हमें जो एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू दिया है वो 3 दिया है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू 3 दिया है। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स का जो वैल्यू 3 दिया है तो देखते हैं कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट्स 2 दिया है, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है 2। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सवाल क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, वाई का वैल्यू दे दिया एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। देखिए अब सवाल यहां समझिए, ये तो दिया हुआ है एंड एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2। एक्स कोऑर्डिनेट 2 का मतलब हुआ एक्स बराबर 2 दिया है, समझे, एक्स बराबर 2 दिया है। तो भाई बहुत पुरानी बातें हैं, बार बार तो वही चीजें बोला जा रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो और वाई का वैल्यू दिया, सिर्फ एकरा में एक वो शब्द जोड़ा कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना 2 है,
तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझना है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स दो रहेगा, मतलब एक्स के जगह पे दो रखना है, ठीक है। अब तो आप सिंपल समझ रहे होंगे, आप लिखना क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जा रहा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला भाई dy बाई डी एक्स। अब y के मान यहां पे रख देना, क्या है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन बटा डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करके जो आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट दो बोल रहा था मतलब एक्स के जगह पे दो रख देना, और जो दो रख के आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर तीन भी देखें उसी तरीके का है, और आप अगर चार को देखें तो सब चीज वही है, सिर्फ वाई का मान चेंज है और एक्स कोऑर्डिनेट उसमें थ्री दिया है, देखिएगा ध्यान से। तो इस तरीके से आपका चौथा सवाल भी सॉल्यूशन हो गया, यानी कि तीसरा अगर आप समझ पाए होंगे तो सेम सवाल चौथा भी है, ठीक है। वहां पे भी यही बोला जा रहा है, सिर्फ y का मान चेंज है, बदला हुआ है, और x कोऑर्डिनेट्स वहां पे तीन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच पे, क्योंकि तीन तो हो गया, और तीन जब हो गया तो चार भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो वैसा ही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच पे। क्वेश्चन नंबर पांच क्या बोल रहा है जरा अच्छे से देखिए। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, बहुत बढ़िया। अब जाके कहानी में ट्विस्ट आया है, क्यों, क्योंकि अब सवाल का वैल्यू बदला है, अब कुछ रूट चेंज लग रहा है। उस टाइम से स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहां से बताने वाले हम भी थोड़ा सा लगे क्या यार एक ही टाइप का क्वेश्चन। अब जो है पांच से सवाल चेंज किया है, थोड़ा सा बदला है, क्या निकालना है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, बहुत बढ़िया। कब, कब निकालना है, जब एक्स का वैल्यू इसमें दिया है, गिवन गिवन गिवन, कब, जब एक्स का वैल्यू दिया है ए कॉस क्यू थीटा, और वाई का वैल्यू दिया है कितना, ए साइन क्यू थीटा, एट कितना पर, एट थीटा बराबर पाई बाय फोर, पाई बाय फोर। और ध्यान से देखिएगा तो पांचवा जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, अगर आप पांचवा क्वेश्चन को समझ पाइएगा तो छठा आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि पांचवा छठा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक्स का मान यहां कुछ और है, वाई का मान कुछ और है, तो वहां पे बदला हुआ है। थीटा बराबर यहां पाई बाई फोर है, वहां थीटा बराबर पाई बाई टू है, तो उससे हम लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। अब समझो आप ये बात समझो कि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है भाई, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है का मतलब क्या, जरा देखो, चूंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है, अच्छे से समझना, माइनस वन बटा डीवाई बाय डी एक्स, ठीक है, माइनस वन बाय डीवाई बाय डी एक्स। क्या भाई तुम ऐसा लिख सकते हो क्या कि इस डी एक्स को ऊपर भेज सकते हो, ये डी एक्स नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो माइनस में बनेगा डी एक्स बटा डी वाई, बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, देख पा रहे हो बहुत अच्छे से। अब चूंकि हम लोग जरा डिफरेंशिएशन याद करो, डिफरेंशिएशन याद करो कि अगर x का वैल्यू अलग दिया रहता था, y का वैल्यू अलग दिया रहता था, तो हम जो है dy बाय dx कैसे निकालते थे, तुम सोचो 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 सोचो। तो आपको याद आएगा कि सर अच्छा x का वैल्यू अलग दिया है और y का वैल्यू जब अलग दिया हुआ रहता था तो हम लोग जो dy बाय dx निकालते थे, देखते थे कि वो किस में फंक्शन है, थीटा थीटा में फंक्शन है,
तो थीटा थीटा से डिवाइड करते थे। याद आया, चीजें याद आई, बिल्कुल। यानी कि अगर यहां पे एक्स में फंक्शन होता तो डीएक्स डीएक्स से डिवाइड करते, लेकिन यहां थीटा थीटा में फंक्शन है तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले पता, यहां पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, माइनस डीएक्स बाय डी थीटा, ऊपर भी डी थीटा से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि थीटा में है, और नीचे भी थीटा से डिवाइड कर दिया, तो कोई अंतर नहीं पड़ा, हम लोग ऊपर नीचे तो डी थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले ऊपर का मान निकालिए, पहले आप dx by d थीटा निकालिए, और फिर dy by d थीटा निकालिए, और तब डिवाइड कीजिए, माइनस का तो माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे काम करते हैं कि इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इधर हम मिटाते हैं, आधा पे मिटा रहे, इधर मिटा रहे बस, ठीक है, इतना पे मिटा रहे हैं हम लोग। पहले dx by d थीटा निकालेंगे, तो x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे है a cos q थीटा बटा d थीटा। हम लोग क्या जानते हैं, कोई कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा, तो d cos q थीटा को किसके रिस्पेक्ट में भाई, तो cos थीटा का पावर 3 है, तो हम लोग d cos थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, और cos थीटा बटा में d थीटा, ठीक है। चलो उसके बाद करना क्या है कि a तो a रखेंगे, और cos q थीटा को cos थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि पावर में क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, इनटू cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन थीटा। तो कुल मिलाकर dx by d थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा, ये बन गया। फिर लिखना नाउ, अब हम लोग उसी तरीके से क्या निकालने वाले हैं, dy बटा d थीटा, dy बटा d थीटा, तो dy का वैल्यू कितना है भाई, a sin q थीटा, यहां लिखेंगे d a sin q थीटा बटा d थीटा। यहां से a क्या है, कांस्टेंट, तो a जब कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे a को, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए नीचे से, ए जैसे ही बाहर हुआ तो यहां बन गया डी कॉस क्यू थीटा, सॉरी कॉस नहीं है यहां पे, साइन क्यू थीटा बटा डी साइन थीटा, ठीक है। और नीचे वाला डी साइन थीटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा बटा में डी थीटा, समझ में आया। तो यहां पे क्या बनेगा, ए का ए बन गया, साइन क्यू थीटा को साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, पावर 3 है तो पहले आ जाएगा, और साइन के पावर 2 थीटा बचेगा, इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर इसका वैल्यू कितना आया, 3a साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये आया, तो अब हम लोग अलग अलग वैल्यू निकाल लिए, अब हम लोग को चलना होगा नाउ अगेन स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या देखें कि माइनस तो था ही, तो माइनस को हम लोग लगा दिया, और dx by d थीटा का वैल्यू कितना आया, तो dx का वाई डी थीटा का वैल्यू आया -3a, फिर cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था भाई, तो dy by d थीटा, हमने देखा dy by d थीटा का वैल्यू इधर से कितना, 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। तो अब इतना वैल्यू रख दिया,
स्लोप ऑफ नॉर्मल में। तो यहां से दिख पा रहा होगा माइनस माइनस तो प्लस और थ्री ए थ्री ए और ऊपर साइन थीटा एक ठो यहां दो ठो कट जाएगा, कॉस थीटा ऊपर दो ठो नीचे एक ठो, तो टोटल मिलाकर ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और कॉस थीटा बेटा साइन थीटा दैट इज कॉट थीटा। अब बोल रहा है कि एट कितना था थीटा बराबर पाई बाई फोर, इसलिए कॉट थीटा के जगह पे कॉट पाई बाई फोर रख देंगे और पाई बाई फोर का मतलब 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि बाप रे दस बोर्ड भी नहीं, तुम्हारी ये गंदी सोच है, तुम्हारा गलत थिंकिंग है, निगेटिव थिंकिंग है। क्योंकि हम लोग यहां पे कुछ नया नहीं सीखे, सिर्फ नया सीखे नॉर्मल और टेंजेंट, बाकी सब तो पुराना बात है भाई, सभी चीजें पुरानी बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चंस को किया है उसी तरीके से आपको करना होगा 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को कुछ बताएंगे भी नहीं, 5 नंबर का हम आंसर ला दिए, तुम्हारा काम है 6वें नंबर आंसर लाना, 6वें का आंसर लाना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जरा क्या बोलता है। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए सवाल क्या बोल रहा है भाई कि एक गिवन वाई बराबर कोई फंक्शन है, गिवन वाई बराबर कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है जरा देख लेते हैं। गिवन वाई का वैल्यू क्या है भाई, तो एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। फिर क्या बोल रहे हैं पॉइंट्स हमें निकालना है, पॉइंट्स निकालना है का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष निकालना है, यानी कि निर्देशांक निकालना है। पॉइंट्स निकालना है का मतलब कि ब्रैकेट में लिखते हैं 2, 4 ब्रैकेट लिखते हैं ना, वैसा ही यहां पे पॉइंट्स निकालना है। क्या बोला कि स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो आप अगर चीजों को अच्छे से पढ़ोगे ना मजा आएगा, इंजॉय आएगा, ठीक है, मैथ से, ठीक है, दोस्ती करो अच्छे से मैथ से और दोस्ती तभी कर पाओगे। यानी कि मैथ बोलता है ना कि भाई हम तुम्हारा दोस्त तभी बनेंगे जब तुम हमारा हर प्रॉब्लम को समझोगे, और हर प्रॉब्लम को समझने के लिए आप पहले थ्योरी को समझो फिर क्वेश्चंस को करो। अगर आपको करने लगते हैं आपको खुद मजा आने लगता है हर एक क्वेश्चंस में करने के बाद। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वाई का वैल्यू दे रखा है, पॉइंट्स निकालना है मतलब कि निर्देशांक निकालना है। ये भी सवाल बोला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके साथ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ। जब ये चीज तुमको बोल दिया, ये चीज बोल दिया तो तुम क्या समझा भाई, यही ना कि जब टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy/dx का वैल्यू 0 हो जाता है, dy/dx का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आप लिखेंगे इसलिए चूंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है पैरेलल है किसके साथ, एक्स एक्सिस का, सो dy/dx का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब तो तुम समझ रहे हो, समझदार बनो। यहां के आगे कैसे करोगे भाई,
तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो जीरो के इक्वल होगा, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन करो और जीरो के बराबर कर दो। ठीक, तो यहां पे आप करोगे क्या, डी वाई एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब जरा इसका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं कि क्या इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। आप डिफरेंसिएशन देख लो, यहां पे एक्स क्यू का कितना बनेगा, डायरेक्ट लिखो थ्री एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तीन दुना का छ एक्स माइनस नौ इक्वल टू जीरो होगा ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तीन यहां से कॉमन हो रहा है ना भाई, तो तीन को कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू में जीरो। इसलिए हम इस तीन को जीरो में भागा करेंगे तो भी तो जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। अब यहां से तुमको एक्स का मान निकालना है, तो टेंथ में तो द्विघात सूत्र को हम लोग कैसे सॉल्व करते सीखे हैं ना। तो कहने का मेरा मतलब कि यहां से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां से x का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, x माइनस वन और x माइनस टू इक्वल टू में जीरो। ध्यान देना, अब ये चीज तुम्हारा पुरानी बात है यार, कि अब तुम द्विघात समीकरण को गुणनखंड तक नहीं तोड़ सकते तो तुम फिर मैथ्स क्यों लिए हो यार, मैथ्स क्यों समझ पा रहे हो। तो x माइनस वन एक्स माइनस टू इसका गुणनखंड तोड़ दिया। गुणनखंड तोड़ने के बाद वहां पे हम लोग सीखे कि x बराबर x माइनस वन बराबर जीरो और x माइनस टू बराबर जीरो, तो इसलिए x का वैल्यू एक ठो आएगा वन और एक वो x का वैल्यू आएगा दो। समझ पा रहे हो, माइनस वन उधर जाएगा तो वन, माइनस टू उधर जाएगा तो टू। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों को x का मान कितना आया, दो ठो आया। तो यहां पे हमें x का वैल्यू कितना आया, दो ठो आया, एगो x का वैल्यू वन आया और x का वैल्यू टू आया। तो अब काम क्या करना है, अब जरा समझिए, चूंकि हमें पॉइंट निकालना है ना, तो पॉइंट क्या क्या आएगा जरा देखिए, पॉइंट का मैंने निर्देशांक निकालना है, तो अब लिखिएगा नाउ करना क्या है हमें, तो x का वैल्यू वन रखेंगे एट x बराबर वन। x बराबर वन रखिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर वन रखने पे y का वैल्यू कितना आएगा, तो x का क्यूब माने कि वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू x का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस नाइन इंटू एक्स, एक्स का मतलब वन प्लस सेवन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वन का क्यूब कितना, वन माइनस थ्री इंटू वन, थ्री माइनस नाइन प्लस सेवन कितना आएगा भाई, जरा अच्छा से कर लेते हैं, नौ तीन बारह माइनस बारह और प्लस आठ तो कितना हुआ, माइनस में फोर। इसलिए पॉइंट मेरा आंसर आ गया कितना, एक्स के जगह पे वन तो वाई के जगह पे माइनस फोर, तो एक वो आंसर आ गया। अब x का तो एक और मान है ना भाई, x का वैल्यू एक और मान कितना है, टू है। x का जैसे कि अभी निकाले ना हम लोग दो ठो वैल्यू, कौन कौन सा, x का वैल्यू एक ठो निकला हम लोगों का, जैसे कि एक मिनट यहां पे हम लोग कुछ गलती तो कर रहे हैं ना, क्योंकि एक मिनट हम लोग का गुणनखंड ही गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहां पे बन रहा है माइनस वन कर रहे तो माइनस थ्री जी नहीं, यहां पे बन रहा है माइनस थ्री और प्लस वन, ऐसे तोड़ेंगे ना तब होगा, यानी कि गुणनखंड हम लोग का गलत ही था, सो सॉरी बाय मिस्टेक। आप इसको अच्छे से गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड इतना आएगा, ठीक है, गुणनखंड इतना आएगा, देख लेते फिर से, एक्स 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 स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस थ्री, हाँ ठीक है। अब
तो x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x का वैल्यू आ जाएगा तीन और a वो आ जाएगा x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो अब x का वैल्यू कितना पे चेक करेंगे, पहले आप तीन पे चेक करेंगे, तो x का वैल्यू लिखते तीन, तो यहां हो जाएगा तीन का क्यूब माइनस तीन गुने तीन का स्क्वायर नौ गुना तीन, तो कितना आएगा तीन लेने पे, तीन का क्यूब सताइस माइनस तीन तीन का स्क्वायर नौ तियाईस सताइस माइनस सताइस प्लस सात। देखिए सताइस सताइस से वो कट गया और यहां आ गया माइनस में बीस, तो एक्स का वैल्यू आ गया तीन, तो वाई का वैल्यू कितना आया माइनस बीस। तो ए गो पॉइंट यानी कि ए गो निर्देशांक हम लोगों को आया आंसर। ठीक है, वैसे ही अगेन पुनः अब आपको कितना पे चेक करना है, एक्स बराबर माइनस वन पे, वैसे ही क्या करना है माइनस वन पे y का वैल्यू आपको निकालना है इसी में रख कर, और जितना आएगा तो माइनस वन लिख देंगे और y का वैल्यू जितना आएगा उतना रख देंगे, तो हम लोगों का दो पॉइंट्स यहां पे निकल जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट्स निकल जाएगा, और दो पॉइंट्स जब निकल जाएगा तो हम लोग यहां पे आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवन, अब आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका सवाल अधूरा ही हम किए हैं, एक टॉपिक छोड़ दिया है लास्ट में, आप उसको आंसर देख लीजिएगा क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं, एट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वाई बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, टू जीरो एंड फोर फोर। देखिए बोल क्या रहा है सवाल में कि एक कर्व है, एक कर्व है और कर्व का इक्वेशन दिया है y बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक कर्व है और कर्व का इक्वेशन समीकरण दिया है y बराबर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। अब बोल रहा है हम लोग जीवा तो समझते हैं ना, जीवा का मतलब क्या कि केंद्र से छोड़कर कोई भी लाइन क्रॉस कर दे, जैसे मान लिया कि ये जीवा है, ये इस वृत्त का कॉर्ड है, कॉर्ड माने जीवा। ठीक है, अब ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है किस किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो एक यहां का पॉइंट दिया है टू जीरो और इसका पॉइंट दिया है फोर फोर, यानी कि जो कॉर्ड का जो दो को पॉइंट है कौन कौन सा, टू जीरो और फोर फोर। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है टेंजेंट का, तो इसके पैरेलल लाइन खींचा जाता है, मतलब कि कैसे दिखाते हैं आपको, इसके पैरेलल खींचा जाता है ऐसे, ओ सॉरी ये पैरेलल तो हुआ नहीं, टेंजेंट तो हो गया लेकिन पैरेलल नहीं हुआ, तो इसमें हम लोग हाँ बिल्कुल एक अब ठीक है, एक पैरेलल लाइन खींचा जाता है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको टेंजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट का यही पॉइंट जो है हमें निकालना है कि क्या होगा, समझो जरा अच्छे से बात कि क्या होगा जरा आप समझो। तो सबसे पहले अगर y का वैल्यू दिया है तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, समझो जब टेंजेंट और ये दोनों जब पैरेलल है तो इसका स्लोप, हम बताया है ना कि दो अगर लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, बताया है? तो अब जब y का वैल्यू दिया है तो आप टेंजेंट का स्लोप निकाल लो,
और ये लाइन का जब दो को पॉइंट दिया है तो इसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेगा चूंकि गिवन y का वैल्यू कितना है x माइनस टू का होल स्क्वायर, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है तो dy बाई डी एक्स, यानी कि x माइनस टू का होल स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में तो x माइनस टू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेस रहता है उसके रिस्पेक्ट में, हम लोग चैन रूल पढ़े हैं ना x माइनस टू को x के रिस्पेक्ट में। इसका कितना बनेगा तो पावर को पहले लाएंगे दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस टू इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो कुल मिलाकर यही हो गया डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हम लोगों का स्लोप आ गया, यानी कि टेंजेंट का स्लोप, यानी कि टेंजेंट का जो m का वैल्यू आया वो 2 इंटू एक्स माइनस टू आया, ठीक है टेंजेंट का स्लोप। अब अगर बात कर लेते हैं इसके नीचे कि अगर दो गो पॉइंट हमें दिया रहता है तो उसका भी तो स्लोप निकालते हैं हम लोग y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर कोई लाइन का दो गो पॉइंट दिया रहेगा तो हम लोग उसका भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो लिखेगा नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये जो लाइन है ना इसका नाम क्या है कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब जीवा कॉर्ड, तो कॉर्ड का कैसे निकाल सकते हैं तो y2 टू माइनस वाई वन फॉर्मूला होता है y2 टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो y2 के जगह पे कितना है 4, y1 के जगह पे कितना है 0, x2 की जगह पे कितना है 4, y2 के जगह पे कितना है 2, तो 4 बाय 2 मतलब 2, ठीक है 4 बाय 2 का मतलब 2। तो अब ये स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया, यानी कि इस कॉर्ड का स्लोप कितना आ गया, इसका स्लोप आ गया 2। अब दोनों लाइन का यानी कि टेंजेंट का भी हम स्लोप पता कर लिए इससे, और दो को जब पॉइंट दिया था तो इस लाइन का भी कॉर्ड का भी हम लोग क्या कर लिए इस वाले लाइन का स्लोप पता कर लिए। सवाल क्या बोला कि ये वाला जो कॉर्ड है ना भाई टेंजेंट के पैरेलल है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल। अब जब दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो दोनों का तो स्लोप बराबर होता है, हम लोग पिछले दिन पढ़े हैं कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो उनका स्लोप जो है बराबर होता है। तो यहां पे अब लिखेंगे सिंस, चूंकि सिंस मतलब होता है चूंकि, सिंस टेंजेंट लाइन पैरेलल टू कॉर्ड ये इधर घेरा हुआ है, टेंजेंट लाइन जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है कॉर्ड के, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ कॉर्ड दोनों क्या होंगे इक्वल हो गया, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, दोनों का स्लोप बराबर होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड। पिछले दिन हम लोग पढ़े कि अगर इसका स्लोप दो है तो इसका भी स्लोप दो है, इसलिए दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया 2 इंटू एक्स माइनस टू, और स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आया तो सिर्फ 2, तो यहां हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल टू 2 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो चूंकि नाउ y बराबर कितना दिया है x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है तो x का वैल्यू कितना रखना है 1, तो x का वैल्यू अगर 1 माइनस टू का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब कितना y का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी x का भी वैल्यू 1 और y का भी वैल्यू 1, इसलिए पॉइंट निकालना था ये वाला पॉइंट, तो पॉइंट में कितना
एक्स भी वन और वाई भी वन, यानी कि यहां यहां वन वन हम लोग यहाँ पे भर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सवाल थोड़ा सा समझने वाला था कि हमें क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, और उसी सवाल को हमें करना होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप चीजों को समझेंगे तो क्लियर कट नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पे x का वैल्यू जरा आंसर देख लेते हैं कि क्या दिया है, 6.3 का 8 नंबर क्वेश्चन ना, तो 6.3 में 8 में दिया है भाई 3 और 1 दिया है, x का वैल्यू 3 दिया है और 1 दिया है। जरा डिफरेंशिएशन तो करने में कोई गलती नहीं किए ना हम लोग, जिन्हें बिल्कुल सही किए हैं, और यहाँ पे आंसर में जो है ना मिस्टेक है, क्योंकि x माइनस 2 का जब होल स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक तो है, और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 है ना, 1 आएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम लोग दोनों स्लोप को बराबर किए तो अच्छा हाँ, एक गलती हुआ है, x माइनस 2 बराबर 1, तो x बराबर 1 नहीं ना होगा भाई, ये माइनस में 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 2 होगा ना, तो x का वैल्यू 3, अब यहां कर दो x का वैल्यू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1, यानी कि x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक के डिस्कस किए इस 6.3 एक्सरसाइज में, ठीक है, और बाकी का जो जो क्वेश्चन अधूरा छोड़े हुए हैं या फिर बनाए ही नहीं है जरा सा भी, तो वैसे क्वेश्चन को आप 8 तक के बिल्कुल कंप्लीटली पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए, और फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करते हैं। लगभग 2-3 दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और 6.4 तक लास्ट है कि 6.6 तक जरा देख लेते हैं, तो 6.4 फिर कितना है 5 और 6. लगभग हाँ 6.5 तक है, तो कुल मिलाकर 10 दिन नहीं जाएगा, इधर ही हो जाएगा, क्योंकि 10-12 दिन में तो हम बोले थे ओवरऑल खत्म होने के लिए, तो कुल मिलाकर आधा से ज्यादा हम लोगों का खत्म हो गया है। तो आज हमने 8 तक के क्वेश्चन किया, और फिर अगले क्लास में हम लोग आगे से क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।